Hello students, good morning. It's my first class and today we will start our first chapter of biology plus one classes, that is the living world. तो बेटा ये जो chapter है हमारा ये introductory part है biology का, जिसके अंदर हम biology के बारे में पढ़ेंगे, life के बारे में पढ़ेंगे, life के various characters पढ़ेंगे, ठीक है? और लास्टली हम क्लासिफिकेशन और टेक्सोनोमी के बारे में पढ़ेंगे. तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्टरी पार्ट है. तो ध्यान से देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से. बेटा बायोलॉजी जो वर्ड होता है ना, ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायोस प्लस लोगोस. बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन टू डिस्कस. टू डिस्कस मीन्स टू टॉक. दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, या सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं टू स्टडी लाइफ. कि बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं, लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं. बट अब बायोलॉजी जो टर्म है, ये टर्म दिया था गॉटफ्रेड रीनहॉल्ट साइंटिस्ट ने, ठीक है? इसका पूरा नाम है गॉटफ्रेड रीनहॉल्ट ट्रीवायरेनस. ये एक जर्मनी से बिलोंग करता है. ये टर्म बायोलॉजी वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय, बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले किसने अडॉप्ट किया था, बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने. ये बेटा फ्रांस से बिलोंग करता है. यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी वाज गिवन बाय थॉमस हेनरी हक्सले, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी बायोलॉजी के बारे में, कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया, बायोलॉजी टर्म को सबसे पहले अडॉप्ट किसने किया, बायोलॉजी का यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट किसने दिया है. इसके बाद अगर हम बात करें फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल. फादर ऑफ जूलॉजी ये भी अरिस्टोटल है. फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रस्टस. एक्चुअल में जो थियोफ्रस्टस है बेटा, ये अरिस्टोटल का ही एक स्टूडेंट था. अरिस्टोटल के लाइफ स्पेन की अगर हम बात करें तो इसका बर्थ हुआ था 384 BC और इसकी डेथ हो गई थी बेटा 322 BC में. बुक के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, तो अरिस्टोटल की जो बुक थी बेटा, उस बुक का नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम. क्या नाम था बेटा बुक का? हिस्टोरिया एनिमेलियम. बुक्स बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए. थियोफ्रस्टस की अगर हम बात करें तो उसकी बुक का नाम था बेटा हिस्टोरिया प्लैनेटेरियम, ठीक है? इसका बर्थ हुआ था 370 BC में और इसकी डेथ हो गई थी बेटा 285 BC में, ठीक है? तो ये तो था इंट्रोडक्टरी पार्ट. अब हम आते हैं बायोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में. बायोलॉजी के डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है कि बायोलॉजी क्या है, स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. क्या है बेटा? स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. व्हाट डू यू मीन बाय इट? ये क्या बताती है कि अर्थ के ऊपर लाइफ की फर्स्ट फॉर्म कैसे ओरिजिनेट हुई. ये ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ के बारे में बताता है. सेकेंड डेफिनेशन एक और भी आती है, स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. बेटा ये दोनों डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है, ध्यान से देखना. ये क्या कहना चाह रहा है? ये एवोल्यूशन के बारे में बता रहा है. एवोल्यूशन क्या होता है? एक लाइफ फॉर्म से बाकी दूसरी की लाइफ, दूसरी लाइफ फॉर्म्स किस तरीके से अराइज होती है, ये क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है. तो ये तो हमें बताता है, पहली डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि एक नॉन लिविंग मैटर से या नॉन लिविंग थिंग से फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे ओरिजिनेट हुई. डिफरेंस है दोनों डेफिनेशन में. पहले डेफिनेशन क्या बता रही है? नॉन लिविंग से फर्स्ट लाइफ फॉर्म कैसे ओरिजिनेट होती है. और सेकंड डेफिनेशन क्या बता रही है? एक बार हमारे पास लाइफ फॉर्म आ जाए तो उससे पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी कैसे बनती है, कैसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऐसे बनती जाती है और पूरा का पूरा हमारी डाइवर्सिटी जनरेट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ एवोल्यूशन. तो दोनों डेफिनेशन बिल्कुल अलग है. इसका मतलब है कि हम किसकी बात करें, बायोलॉजी क्या है,
एटस द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस. ये अलग अलग लाइफ फॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे. जैसे हमने कहा कि मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, तो ये अलग अलग लाइफ फॉर्म्स हैं और कौन कौन से लिविंग प्रोसेसेस होते हैं जो इन लिविंग बींग्स की बॉडी में होते हैं. ठीक है, तो ये सारा हम बायोलॉजी में पढ़ने वाले. बेटा एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स डाइवर्सिटी जो है हमारी, वो किसी ना किसी लाइफ फॉर्म से ही ओरिजिनेट हुई है. इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या होता जा रहा है, ट्रांसफर होता जा रहा है. तो इसकी वजह से हम कहते हैं, हमारी एनसीईआरटी की लाइन है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आज प्रेजेंट में है, पास्ट में थे या फ्यूचर में होंगे, दे आर लिंक्ड टू वन अनदर. कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से लिंक्ड है. क्यों लिंक्ड है? क्योंकि वो कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयर करते हैं. लेकिन कितना लिंक्ड है वेरी करता है, वो किसी में सिमिलरिटी ज़्यादा है और किसी में सिमिलरिटी क्या है, कम है. तो ये लाइन भी ध्यान से देखना है इसको. अब हम आते हैं बेटा मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी. वैसे तो बायोलॉजी को बहुत सारे फील्ड्स में डिवाइड किया जाता है, लेकिन इसके दो मेजर फील्ड होते हैं. एक तो फील्ड है बॉटनी और दूसरा है जूलॉजी. कॉमनली हमें पता है कि बॉटनी में हम क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और जूलॉजी में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं. बॉटनी जो वर्ड है ना बेटा, उसका ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड से माना जाता है, बॉटनी, जिसका मतलब होता है प्लांट्स. और कुछ कहते हैं कि वो एक ग्रीक वर्ड बॉस्किन से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब होता है ग्रेजिंग. सिमिलरली जूलॉजी वर्ड ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड जून, और जून मीन्स क्या होता है बेटा, एनिमल्स. ठीक है, तो ये तो था हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट, और फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, जूलॉजी कौन है, बॉटनी कौन है. अब हम आते हैं मेन लिविंग वर्ड चैप्टर के ऊपर. तो क्योंकि हम लिविंग वर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहली चीज क्या आती है बेटा, लाइफ, कि लाइफ क्या होता है. तो एक तरीके से साइंटिफिक टर्म्स में अगर हम लाइफ को डिफाइन करें, तो लाइफ क्या होता है, इट इज ए यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब कोई भी लिविंग बॉडी जो है वो किससे बनी है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के यूनिक ऑर्गेनाइजेशन से बनी है. कैसा ऑर्गेनाइजेशन, दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ थ्रू केमिकल रिएक्शंस, जो अपने आप को केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से क्या कर दे, एक्सप्रेस कर दे. क्या एक्सप्रेस कर दे, मतलब किस लिए एक्सप्रेशन, क्योंकि इसकी वजह से बॉडी क्या करती है, ग्रोथ करती है, डेवलपमेंट करती है, या एडेप्टेशंस होती हैं, या रिस्पॉन्स देती है, या रिप्रोडक्शन करती है. तो ऐसे यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं बेटा, लाइफ कहते हैं. अब लाइफ की बात आ गई, तो सेकंड डेफिनेशन आती है लिविंग बींग्स क्या होते हैं. लिविंग बींग हम किसे कहेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट विच एग्जिबिट कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, जो लाइफ के कैरेक्टर को एग्जिबिट करता है, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लिविंग बींग बोलेंगे. अब कौन से कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. ठीक है, हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम ले लेते हैं एनसीईआरटी के कैरेक्टर की. हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि लिविंग बींग में कौन कौन से कैरेक्टर होंगे. तो एनसीईआरटी 5 मेन कैरेक्टर को डिस्क्राइब कर रही है. पहला कैरेक्टर है ग्रोथ, सेकेंड कैरेक्टर रिप्रोडक्शन, थर्ड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ मेटाबॉलिज्म, एंड फिफ्थ कॉन्शियसनेस. दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार लाइफ के कैरेक्टर्स को, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, एंड कॉन्शियसनेस. तो बेटा ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था लिविंग वर्ड का. नेक्स्ट लेक्चर में हम इन्हीं कैरेक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे. सबसे पहले ग्रोथ पढ़ेंगे, फिर रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था. अच्छे से इसको स्टडी करना. थैंक यू बेटा.